नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीओटी 2023 के जनरल टेस्ट में जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो कितना होने वाला है, कितने मंथ तक का आपको करंट अफेयर्स जो है वो कवर करना है, आपको करंट अफेयर्स बहुत डीप पढ़ना है या ऊपर से मोटी मोटा ओवरव्यू लेना है, ये तमाम बातें जो है वो आज इस एक वीडियो में हम लोग जानने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताया था कि जो जनरल टेस्ट का सिलेबस है उसमें जो एप्टीट्यूड सेक्शन है या जो जीके है, जो जीएस है, जो बेसिक रीजनिंग है, बेसिक मैथ है, वो क्या है उसका मैं एक बार आपको ओवरव्यू दिखा देता हूं। देखिए, इन वीडियोस में हमने कवर किया हुआ है ये पूरा, और आप इसका जो वीडियो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप उसको कवर कर लीजिएगा। मैं करंट अफेयर्स का जो पार्ट था वो स्किप कर दिया था, बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, तो फाइनली आज इस वीडियो में करंट अफेयर्स के हर एक पॉइंट्स को समझेंगे। और साथ ही साथ जब तक आप पहला वीडियो नहीं देखोगे तब तक ये वीडियो उतना एफिशिएंट नहीं होगा। ऐसे में प्लीज इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो उस वीडियो को भी देख लेना, उस वीडियो को देख चुके हो तो इस वीडियो को भी देख लेना, ठीक है? ये दोनों भाई बहन एक दूसरे के। करंट अफेयर्स जो है वो जनरली हम लोग किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए जो स्टेट लेवल के होते हैं उसके लिए 6 मंथ का पढ़ते हैं। यूपीएससी एक साल का रिक्वायरमेंट मांगती है करंट अफेयर्स के लिए, लेकिन बाकी स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, इन सब में लगभग 6 से 9 महीने तक का हम लोग कवर करते हैं। तो हम लोग सीयूईटी के लिए भी 6 मंथ का करंट अफेयर्स जो है वो हम लोग कवर करेंगे, लेकिन इसमें भी हम लोग थोड़ी सी राजनीति करने वाले हैं, माइंड के साथ खेलने वाले हैं, किसके? एनटीए के। पहला पॉइंट मैं जो यहाँ पे नोट कर रहा हूँ आपके लिए वो है कि हम लोग को नवंबर से करंट अफेयर्स स्टार्ट करना है और 20 डेज बिफोर आप द एग्जाम हम लोग इस करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करेंगे, यानी अभी तो एग्जाम होने वाले 3-4 महीनों में होना है, तो ऐसे में नवंबर से तब पढ़ना शुरू कर दो, नवंबर 2022, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, 3 महीने तक का जो करंट अफेयर्स है वो आप कवर कर लो। और इसको पढ़ना कैसे है, तो आप इसको वीकली कवर कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको मंथली कवर कर सकते हो। ये 2 पॉइंट्स हैं इसको कवर करने के लिए। इसको डेली बेसिस पे मत कवर करना क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं होगा, आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ना है, तो क्योंकि करंट अफेयर्स जब आप पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारे न्यू पॉइंट्स बताए जाते हैं, पूरा लर्न करने के चक्कर में हो सकता है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो स्किप हो जाए और वो एग्जाम में आए और आप उसका आंसर न दे सको। तो ऐसे में आपको वीकली या मंथ वाला जो करंट अफेयर्स होता है या मंथ में जो 2 करंट अफेयर्स बनाए जाते हैं बहुत बड़े बड़े चैनल बनाते हैं वो आपको देखना है, और मैं इसको कवर भी करूंगा, मैं भी इस पे वीडियोज ले आऊंगा, ठीक है? ये तो इस पे बात हो गई। अब मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, यानी करंट अफेयर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है कि किस करंट अफेयर्स को हम लोग 1 साल तक कवर करेंगे और किसको हम लोग 6 महीने तक कवर करेंगे और किसको हम लोग पूरे जीवन पर्यंत तक का कवर करेंगे। जैसे कि 1 साल का करंट अफेयर्स मतलब हो जाता है कुछ ऐसे समिट होते हैं या कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जो कि साल में एक बार ही होता है, समझ में? जैसे अब सेंसिस हमारे यहाँ कितने साल पे होता है आप मुझे कमेंट करके बताना। तो अब लास्ट सेंसिस जो है आज तक हम लोग 2011 का ही काउंट करते हैं, 2023 आ गया, अभी तक हमारे पास नया सेंसिस नहीं अवेलेबल हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। तो जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे लिटरेसी रेट, चाहे पॉपुलेशन, चाहे एरिया, हम लोग हमेशा किसका रेफरेंस लेते हैं? 2011 का ही लेते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग कुछ, अब कोई ऐसा इंटरनेशनल कोई क्रिकेट हुआ है या नेशनल कोई क्रिकेट हुआ है, चाहे वनडे एग्जाम का वनडे क्रिकेट मैच का हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, ये सब ऐसे कुछ इवेंट होते हैं या मोमेंट होते हैं जो कि साल भर के अंदर का अगर हुआ है तो उसको 6 महीने में हम लोग काउंट नहीं करेंगे, उसको देखेंगे कि 2022 की स्टार्टिंग में अगर हुआ है तो उसको आप कवर करोगे, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, कुछ ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जो कि इतने ज्यादा फेमस हो जाते हैं, जैसे कि इलोन मस्क अपने आप में एक बहुत फेमस पर्सन है, उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो पूछे ही पूछे जाने वाले हैं एग्जाम में। कुछ बहुत फेमस एप्लीकेशन आ गए हैं, कुछ बहुत ही फेमस पर्सन आ गए हैं, तो उनके उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे ही पूछे जाएंगे। या कोई बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया है, कोई कंट्री में भूकंप आ गया, कोई कंट्री का इकोनॉमी इतनी नीचे चली गई है कि वहां पे लोग खाने के लिए दौड़ने लगे, वहां की इकोनॉमी बहुत नीचे चली गई, तो ऐसे में वो कंट्री जो है फेमस हो जाएगी, तो उस कंट्री के कैपिटल, उस कंट्री के प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग यहां पर देखते हैं इसका जो कैटेगरी है वो क्या है, या इसका जो सिलेबस है वो क्या है करंट अफेयर्स का, जो मैं आपको दे रहा हूं। ध्यान देना है कि इसके कुछ पोर्शन जो है वो मैंने एज अ जीके जीटी में बता दिया है, यानी कि जनरल टेस्ट के जीके वाले पोर्शन में करंट अफेयर्स का कुछ पोर्शन में बता दिया हूं, इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि वो वीडियो देख लेना, दोनों वीडियो मिलाने के बाद ही जीटी का पूरा कंप्लीट सिलेबस बनेगा, ठीक है? उसमें देखो क्या है, अवार्ड्स है, यानी 1 साल या 6 महीने के दरमियान जो
पुरस्कार दिए गए। अब कुछ पुरस्कार जो होते हैं वो कोई कमेटी देती है, कुछ पुरस्कार जो है हमारी गवर्नमेंट खुद देती है। तो आपको दोनों देखना है, जितने पद्म अवार्ड हैं, भारत रत्न अवार्ड हैं, वीरता से रिलेटेड पुरस्कार है, ठीक है, नागरिकता से रिलेटेड पुरस्कार है, ये सब जो गवर्नमेंट देती है तो वो आपको अवार्ड्स जो है वो कवर करना है। ठीक है, जैसे अब NRF रैंकिंग है, NRF रैंकिंग अब 2023 का तो आया नहीं है, अब 22 में ही आया है, तो ऐसे में उस करंट अफेयर्स को कहां से कवर करोगे? तो अब NRF रैंकिंग की जो है, जो आपकी रैंकिंग है वो 2022 का ही कवर करोगे, क्योंकि 23 का आया नहीं है। बहुत सारे इंडेक्स आगे मैं कवर कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, पर्सन एंड प्लेसेज, आपके पास जितने भी 6 से 9 महीने के बीच प्लेस बहुत फेमस हुए, मैं आपको पूछा अभी ना, जैसे टर्की में अर्थक्वेक आ गया, तो अब ये क्वेश्चन बन गया, इसका कैपिटल, इसका प्रेसिडेंट, यहां से कोई रिलेटेड कोई पर्सन है, यहां से रिलेटेड कोई फूड है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो प्लेस इसलिए फेमस है क्योंकि वहां पे अर्थक्वेक आया। ऐसे बहुत सारे प्लेसेज हैं, जैसे श्रीलंका फेमस हुआ था, इस तरीके के क्वेश्चन आपको कवर करने हैं, ठीक है। पर्सन भी आपको समझ में आ गया होगा। गवर्नमेंट के जितने स्कीम्स हैं, जो प्रोग्राम है, जो योजनाएं आती हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पोर्ट्स, 6 से 9 महीने के बीच में जितने भी खेल से संबंधित प्रोग्राम हुए, इवेंट हुए, पुरस्कार वितरित हुआ, स्टेडियम है, ये तमाम बातें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें जो महिलाओं ने अपना वर्चस्व दिखाया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो जरूर कवर करिएगा, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। उसके बाद है यहां पर, हाँ, समिट, ध्यान देना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी समिट हो रहे हैं या हुए हैं साल 6 महीने का, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस एंड समिट आपके यहाँ पे है, हाँ, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स, कई सारे इंडेक्स आते हैं साल भर में, नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के, आप उसको फॉलो जरूर करोगे। उसमें इंडिया किस पावदान पे है, कितने से घसक के कितने पे गया, कितने से घसक ऊपर गया, ठीक है, ये इंडेक्स जो है ये आपको यहाँ से कवर करना है। नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, ये पूरे जितने भी मैंने इवेंट बताए हैं ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे कवर होने चाहिए। देखो मैं यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स स्किप किया, रीजन क्या पता है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग के जनरल नॉलेज में कवर कर लिया था, इसलिए मैं बोला हूँ कि बार बार दोनों वीडियो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो अभी इतना ही चीज़ें इसमें मैंने कवर किया है, एक बार स्टार्टिंग में दिखा देता हूँ जो मैं पहले पार्ट में कवर किया हूं, तो ये वीडियो आप देख लीजिए जिससे कि आपका पूरा कंप्लीट जीटी का सिलेबस बन जाए। जीटी मैं इसलिए कवर किया हूं क्योंकि यही जीटी आपके हर एक सब्जेक्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आप कमेंट करिए कि आपको किस किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, आई विल मेक वीडियो, मैं एक सिंगल कॉमेंट्स को पिकआउट करूंगा, ठीक है। तो ऐसे में आप लोग सीरियस कॉमेंट करना, आपको रिक्वायरमेंट है पढ़ाई से रिलेटेड, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो वो पूरी चीज़ें मैं BHU पाठशाला आपको प्रोवाइड कराऊंगा। BHU पाठशाला का हर एक वीडियो जरूर देखें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और मुस्कुराते रहें। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, पूरी उम्मीद है कि आप इस बार CUT में अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी जरूर ले पाओगे, ठीक है। बाकी मैं आपके साथ हमेशा अवेलेबल हूँ पूरे काउंसलिंग तक, बस यही बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हाँ, BHU पाठशाला का कोर्स ज्वाइन कीजिए जिससे कि आपका पूरा जनरल टेस्ट का, आपका डोमेन का, लैंग्वेज का पूरा प्रिपरेशन प्रॉपर वे में हो सके, ठीक है। हर हर महादेव, बहुत सारी शुभकामनाएं, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।